स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लाइक भी करना, ठीक है। टॉपिक हमारा है वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। लेट अस स्टार्ट नाउ द वीडियो। डेफिनेशन क्या है, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम। ए रेंडम वेरिएबल, आरबी का मीन्स क्या होता है, रेंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू हैव अ वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर्स म्यू एंड वी, म्यू ग्रेटर जीरो एंड वी वी ग्रेटर है जीरो। इफ इट्स पी डी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स वन अपॉन बीटा म्यू कॉमा वी एक्स की पावर म्यू माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर है बी माइनस के वन, जिसमें कि यू और वी हैं वो हमारे पैरामीटर्स हैं जो ग्रेटर हैं जीरो से। वेयर जो बीटा यू कॉमा वी इज द बीटा फंक्शन है, वी यू कॉमा वी इज द क्या है, बीटा फंक्शन है जो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। द रेंडम वेरिएबल एक्स इज नोन एज अ बीटा वेरिएट ऑफ द फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर्स बीटा यू कॉमा वी वेरिएट, ठीक है। तो ये इसकी रिमार्क्स पढ़ते हैं। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफन कॉल्ड द इनकम्प्लीट बीटा फ्रैक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स क्या है, जीरो से एक्स तक लिमिट है वन अपॉन बीटा यू कॉमा वी, यू म्यू की पावर है म्यू माइनस वन, वन माइनस यू की पावर वी माइनस वन डी यू, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने यू रख दिया, ठीक है। तो इन सेकेंड इन पर्टिकुलर इफ वी टेक म्यू इजल टू वन एंड बी इजल टू वन इन इक्वेशन वन वी गेट एफ एक्स। इक्वेशन नंबर वन में हमने म्यू इजल टू वन एंड वी इजल टू वन पुट कर दिया तो हमें एफ एक्स इजल टू वन अपॉन बीटा वन कॉमा वन मिल गया। तो वीटा वन कॉमा वन इजगल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो विच इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्लोज इंटरवल, इसे कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन। थर्ड क्या है, इफ एक्स बीटा यू कॉमा बी देन इट कैन बी इजिली प्रूव दैट वन माइनस एक्स बीटा बी कॉमा म्यू, ये आपस में इक्वल होते हैं। कॉन्स्टेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड पढ़ते हैं। म्यू आर डैश क्या है, जीरो से वन एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा वन अपॉन बीटा म्यू कॉमा वी, जीरो से इंटीग्रल है वन तक एक्स की पावर है म्यू प्लस आर माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर है बी माइनस वन डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने ये वाली रख दी थी, यहाँ से ये रखा और बाद में हमने क्या किया, एक्स की जो पावर है उसको एक तरह से लिख दिया वन अपॉन बीटा यू कॉमा वी एज इट लिखा, बीटा यू ये क्या बन गया म्यू प्लस आर कॉमा बी बन गया, इसी वाला इंटीग्रल जो फंक्शन एफ एक्स था। फिर हमने जो वन अपॉन बीटा यू विन क्या होता है गामा में म्यू प्लस आर गामा बी अपॉन में यू प्लस आर प्लस बी, ये हमारा दोनों तरफ गामा लगा दिया जो अपने पीएससी में पढ़ा होगा, दोनों तरफ लगा दिया और यहाँ से जो गामा बी से गामा बी कैंसिल कर गया कट गया वो हमारा ये हो गया। इन पर्टिकुलर में मीन क्या होता है, म्यू वन डैश को मीन बोलते हैं। तो आपका ये मीन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, म्यू प्लस वन है ठीक है, तो म्यू बाहर ले लिया तो म्यू ये बचा ये बचा, आगे हमने सॉल्व कर लिया तो ये आपके कट गए म्यू प्लस बी से, तो म्यू अपॉन म्यू प्लस बी बन गया ठीक है। क्योंकि ये गामा के क्या होता है, जैसे कि गामा कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो के माइनस वन निकलता है बाहर, तो ठीक है। तो म्यू टू डैश क्या होता है, तो म्यू टू डैश भी निकाल लिया, तो मतलब आर की जगह पे यहाँ पे हमने अब टू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो म्यू टू बाकी हमने सॉल्व कर लिया, गामा का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, आपने लगा दिया सॉल्व हो गया ये ठीक है। फिर इस प्रकार से हमारा ये म्यू टू डैश भी आ गया है, तो म्यू टू निकालेंगे। अब म्यू टू निकालने का मीन्स है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश, म्यू टू डैश की ये वाली वैल्यू है हम रख दी, ये म्यू वन डैश की होगी, सॉल्व कर लिया यहाँ पे कॉमन लेके और बाकी ये हो गया इधर, फिर कॉमन लेके ये बचेगा अंदर, फिर आप ये जानते ही हैं कैलकुलेशन करना कर ही लेंगे। फिर यहाँ पर आप म्यू बचा यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, बाकी डिनोमिनेटर वाला एज इट रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही आप म्यू थ्री निकाल सकते हैं, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश, ये उतार के यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर ही लेंगे आप। ऐसे ही म्यू वन म्यू फोर भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। फिर बीटा वन क्या होता है, तो म्यू थ्री का स्क्वायर म्यू टू का स्क्वायर,
म्यू थ्री की वैल्यू पुट कर दी, म्यू टू की कर ली, सॉल्व कर लेंगे आपका ये आ जाएगा बीटा ट्यू म्यू फोर अपॉन म्यू टू डैश का म्यू टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो ये तो फिर आप हम लोग पढ़ेंगे था हार्मोनिक मीन एच इज गिवन बाय वन अपॉन, हार्मोनिक मीन क्या है वन अपॉन एच, जीरो से वन इंटीग्रल हो गया वन बाई एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे वन अपॉन बीटा म्यू को हमें बाहर लिख लिया था, तो ये हमारा बीटा म्यू माइनस वन कॉमा वी बन गया। और बाद में हमने दोनों की तरफ बीटा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, बीटा फंक्शन दोनों का लगा दिया और बाकी ये कैसे सॉल्व करके ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन एच बराबर म्यू प्लस वी माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन बचा, तो एच इक्वल टू आ गया म्यू माइनस वन म्यू प्लस वी माइनस के वन। तो ये हमारा हार्मोनिक रहा। तो ये हमारा बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कंप्लीट हो गया। ये एमएससी फाइनल में बहुत आता है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू।